दो मिनट के टाइम दीजिए, हम थोड़ा सेना प्रधानों से बात करेंगे। मैं तुमसे कुछ जरूरी बातें करना चाहता हूं। कौन सी बात है जरूरी? वो प्रसाद करसेन और सेना का रघुवीर प्रसाद
को भी मोड़ दो, चढ़ा वो जबरन उठा परिवार का जो मत से कहो बेजा हो भी नहीं महाराज क्या है अगर किसी ने सिरसा और गजबोधन का नाम लिया तो चिंता गड़वा दूंगा। छोड़ो भैया हमारा पृथ्वीराज भाई बोलो एक सलाह हमारे है। कौन से? देखो ऐसा है इसी वक्त का नाम हो गए की तरह मोड़ दो। वहाँ क्या रखा है? एक हीरा ऐसा है राजा परमाल की बेटी जिनका नाम है चंद्रावली, ताहर भैनों का बहुत बढ़िया जोड़ है। जैसे दिल्ली से डुबा गया है वैसे वहाँ से मोहब्बत से दिल्ली आना चाहिए। मतलब तुमको जवाब का सवाल मिलना ही चाहिए। ताहर चौहान मामा की बातें सुना आपने? सुना पिताजी। अरे भूप परमाल की एक बेटी है जिसका नाम चंद्रावली है, वो तुम्हारे योगी है। और उसे अगर उठवा लिया जाएगा, उसका डोला अगर छीन लिया जाएगा तो मलखान और उसका बदला भी चुक जाएगा। तुम्हारी बहन का डोला ले गया है तुम जबरदस्ती? हाँ उसके साथ करे उसकी बहन का डोला हम लाएंगे। और धांधू बोलो आता है सिरसा के बजाय अगर हम लोग मोहब्बे पे चढ़ाई करें तो तुम्हारा क्या विचार? मेरा विचार यह है आता है सिरसा के बजाय सिरसा का जाने के लिए साफ साफ इनकार है और आप कहीं भी चढ़ाई करेंगे हम चलने के लिए तैयार हैं। ठीक है धांधू हम लोग सिरसा नहीं जाएंगे बल्कि हम अब मोहब्बा जाएंगे। जो क्या है आओ मेरे साथ। ठीक है का इनका हम सबसे न बैठे गया नाम हमार माहिल चले मोहब्बत खटपट खटपट कर रहे अब चली हम बैठी अपनी और हमसे कम दुनिया से झंझट। अरे मैं और परी हारी रे महिला Yeah.
भाई और दवा से पर ध्यान दीजिए, ये महोबा नगर है, ये महोबा नगर है। अपने चमन में महाराजा परमाल की लड़की जिसका नाम है चंद्रावली, अब आपके समक्ष चंद्रावली आती है तो अपने मन में क्या विचार कर कृपया बताइए। ठीक है, मुझको चमन में घूमना भी चाहिए और साथ होने वाली है, घर पर नहीं तो जाना। Oh, yeah.
अरे कुछ नहीं होगा सुनो। ये रे मोहब्बत को बड़ी, ये रे मोहब्बत को बड़ी, सेना उधर चौहान। जागरनाथी का बुला लो, कह दियो खाना हुआ खाए और पानी ही आए पिए। खाना हुआ खाए पानी हुआ। हम कुछ नहीं गए, जो तुमसे बताए थे कि उसे कह दियो बहुत जरूरी है, नानी तुम्हारे बलाई नहीं। अच्छा हाँ जाए जा जा जा। हेलो बिटिया। हाँ भैया। हाँ भैया चलो चलो। माँ
हाँ दोस्तों, तमाशे पर ध्यान दीजिए। ये शहर जगनेर है, ये जगनेर है और अपने महलों में राजकुमार जागरण आता है। अब देखो अपने मन में क्या विचार करता है तेरे भाई और तेरे सजो। आज बजाने क्यों मुझे बार बार मेरे मामा अमल खान की याद आ रही है। मुझे अपने मामा दी से मिले हुए न जाने क्या बात है, मेरी मामा जी की तस्वीर बस रही है। ठीक है, मामा जी को जरूर मिलेंगे क्योंकि काफी दिन हो गए अपने मामा जी से मिले हुए। और मेरे दिल में सिर्फ एक ही तमन्ना है, वो जब याद आए, बहुत याद आए, वो जब याद आए, बहुत याद आए, वो जब बगैर मेरे बहनों में आगे आखिर आप हो कौन? अरे अपना फर्ज तो बताओ तब हम जानेंगे आखिर तुम हो कौन। क्या आप मोहब्बे से आए हुए हैं और रूपन मामा? अरे एक मामा जी, मैं यही सोच ही रहा था कि मुझे मोहब्बत और सस लड़की बहुत याद आ रही थी। आज आपके दर्शन हो गए, आप मुझे मोहब्बत के बारे में जरूर बताएंगे क्योंकि मुझे बहुत याद आ रही थी। आपकी बात क्या है मामा जी? तुम्हारी नानी बनाई। मेरी नानी? हाँ, बहुत अर्जेंटी बनाई। क्या कहा मेरी नानी ने? नानी तुम्हारी जो कहना है खाना जगनेर में खा, अपानी मोहब्बत में। लेकिन मामा जी आज कौन सी बात आ पड़ी है इसके बजाय नानी जी ने मुझे तत्काल मोहब्बत में बुलाया है? पता नहीं भाई, हमसे यह बताए ना कि जाओ हमारे बता दो जागन से कि खाना जगनेर में खाए पानी आज ही। अगर ये बात है तो हम इसी वक्त आपके साथ मोहब्बत चलने के लिए तैयारी करते हैं क्योंकि न जाने क्या बात है जो नानी जी ने मुझे तत्काल बुलाया है। मामा जी आइए हम आपके साथ चल रहे हैं। अरे आवा थोड़ी गलीमा, हमार जगन नहीं। अरे आवा थोड़ा, हमार तो टोला चला गई।
मैं क्या देता हूँ, ना ही मेरी नानी जी मुझसे बात ही करती है और ना ही मौसी जी मुझसे बात करती है। आखिर बात क्या है? बताई तुमसे आज हम पंचे बड़ी दिक्कत में फंस गए। आखिर बात क्या है रानी जी? अरे तुम्हारी मौसी की डोला लिए जा रहा पृथ्वी रे जवान। ये आप क्या कह रही है? अरे हाँ पुतावा सही कहे तो चाहे अपनी मौसी से पूछ। मौसी जी ये बताइए ये रानी जी रजानी कैसे पहचान बाजी बातें कर रही है? आप ही हमें कुछ बताइए। जो बात तुमका तो मैं नानी बता रहा बात सचा है। क्या हमार तो डोला जेबा करी लाखी मौसी तुमका बोल तो मैं नानी को डोला चला जाए। क्या शरारत है मेरे रहते हुए आप लोग मेरी मौसी का डोला वो हराम का दस्तान कैसे ले जा सकता है? मैं भी देखता हूँ अगर उसकी भुजाओं में कितनी ताकत है। ठीक है तुम हो बहादुर, हमका मालूम है कि तुम आए हो तो हम लोगन का डोला न जाते। नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? ये तुम्हारे हाथी का हमारा मेरी बहन का लड़का है ना। क्यों नहीं? अरे तुम लड़ाई ना जाओ। अरे बहुत चलिए है सुनो हम आता हम मानो क्या चले जा तुम रिचगीर अपने आला हो दलगम जाओ बुला लो और मना लो। क्या कह रही है रानी कि मैं इनके चला जाऊं और आला मामा और उधर रस मामा को बुला कर ले गया। हाँ पता नहीं रानी मैं रिस्क रह जाऊंगा फौज बहुत लंबी है और तुम अकेले हो का कर पाइयो कुछ ना कर पाइयो। नानी जी आपका कहने के मतलब मैं रिस के चला जाऊं। जी हाँ लेकिन शायद आप लोगों को मालूम नहीं है कि जब बड़े मामा मोहब्बत से निकाले गए थे सबसे पहले मेरे पास आए थे। तो क्या थे